इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान इंद्रध्वज जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, पुत्र श्री योगेश कुमार जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री दीपेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन, ऋषभ ध्वज जैन, भव्य ध्वज जैन, पद्मिनी जैन, दीपांशी जैन, शाश्वत जैन, अनुत्तर जैन। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, पुनः आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के धर्मनगरी शिकोहाबाद के भरतेशपुरम में प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 8 से 13 मार्च 2023 तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रत्येक दिन उपस्थित होकर अपार प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की पांचवी एवं अंतिम कड़ी में 13 मार्च 2023 को आयोजित हुए मोक्ष कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद की धर्मनगरी शिकोहाबाद के भरतेशपुरम में प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में 8 से 13 मार्च 2023 तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ किया गया, जो शिकोहाबाद के भक्तों को सदैव याद रहेगा। महोत्सव के अंतिम दिवस यानी 13 मार्च को प्रभु के मोक्ष कल्याणक का शुभारंभ भी भक्तों ने जिनेन्द्र प्रभु के अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ की। श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंताय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे तरणेन्द्र फणामंडल पंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवाय अस्माकं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। इसके बाद भक्तों ने मोक्ष कल्याणक के अवसर पर भक्ति पूर्वक पूजन एवं विधान किया। इस दौरान विधान करते हुए भक्तों ने क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। तदुपरांत मुनि श्री अमित सागर जी महाराज कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मंचासीन होते हैं। इस पावन बेला पर भक्तों को पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की मांगलिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जब भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, स्वर्गों की जवाबदारी होती है। स्वधर्म कुबेर ये मुख्य पात्र उसके होते हैं, बाकी जो सामान्य इंद्र होते हैं उसकी अनुमोदना करते हैं, प्रभावना करते हैं। आज पंच कल्याणक समाप्ति का दिन है। इस प्रकृति को वश में करने के लिए
मंत्र और दैविक शक्ति हुआ करती है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, आप करोड़ों खर्च कर दीजिए, जैसी घटना दुर्घटना में सब, और ऐसे विधि विधानों में भी उसी व्यक्ति का द्रव्य लग पाता है, इसमें कुछ पुण्य का अंश हो। पाप की कमाई तो पाप में ही जाती है। जिन लोगों के भाव नहीं बने वो अंतराय कर्म, उसने अच्छा काम नहीं करने दिया। अंतराय कर्म, दान अंतराय कर्म, बहुत लोगों के भाव होते, अरे हमारे पास होता तो हम पूरे ही पंथ का लड़ करा देते, पर तुम्हारे पास क्यों नहीं है कि तुम्हारे पास दान अंतराय कर्म। मुनिश्री के प्रवचन के दौरान ही धीरे धीरे प्रभु आदिनाथ जी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को मोक्ष जाते कोई नहीं देख पाया, और प्रभु का शरीर कर्पूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है। मोक्ष गमन के उपरांत अग्नि कुमार देव उपस्थित होकर प्रभु के बचे हुए नख एवं केशों को अग्नि में विसर्जित करते हैं। ओम सत्य जाताय नमः, ओम अरक्ष जाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम अनुपम जाताय नमः। भगवान की जाति अब रही नहीं, भगवान सिद्ध हो गए। इसलिए असली में हवन जो आप सोचते हो ब्राह्मणों की क्रिया नहीं है, ये सिद्ध भगवान के गुणों का आरोहण है उनके अंदर, ये ध्यान रखना। कभी भी हवन की क्रिया मिथ्या दृष्टि की हो ही नहीं सकती। तो ओम सत्य जाताय नमः, ओम अरक्ष जाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम अनुपम जाताय नमः, ओम नमः, ओम अचलाय नमः, ओम अक्षताय नमः, ओम अव्यवादाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, अनंत सुखाय नमः, ओम नीरजसे नमः, ओम निर्मलाय नमः। इसके बाद भक्तों ने शिकोहाबाद की धरा पर स्थित भरतेश भगवान का महामस्तकाभिषेक किया। नवन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, नवन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, आत्मा से तेरे सारा महल खुल जाएगा, आत्मा से तेरे सारा मेल भूल जाएगा, जीवन को अपने चमन कर ले, जीवन को अपने चमन। भगवान के कनक छाया विसंचय नमः। भरतेश भगवान का महामस्तकाभिषेक करते हुए समस्त भक्त अतिहर्षित नजर आ रहे थे। द्राम द्राम द्रिम द्रिम दावा दावा नमस्ते भगवते सर्वते भगवान के नारी के लावी शिंचे नमः स्वाहा। इस अवसर पर अनेक क्षेत्रों के भक्त प्रभु के मस्तक पर कलश धुराकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। हम हम सम सम तम तम पम पम यम यम जीम जीम श्रीम श्रीम द्रव द्रव द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रता पिछुर सभिषेकम करो विश्वास। आज प्रभु जी का नवन कराना है, ओ आज प्रभु जी का नवन कराना है।
रखना, चरणों की छाँव में बिठाए रखना। हम तो आए हैं प्रभु जी चरणों की छाँव में, हम तो आए हैं प्रभु जी चरणों की छाँव में, चरणों की छाँव में बिठाए रख। ओम रेम श्रेम क्लेम चमके आभा।
महामस्तकाभिषेक करने के बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। तीन चार बच्चे बड़े शैतान 9th क्लास के मिल गए, बोले अरे कवि हैं आप, कवि हैं अंकल? मैंने कहा हाँ। बोले कैसे कवि हैं आप, आपने हमसे कुछ पूछे ही नहीं है। कमाल के बच्चे यार, मैंने कहा ये भी कोई बात है। मैंने कहा चलो पूछते हैं तुमसे। एक बच्चा 9th क्लास का मिला, ये धरा आ गया, क्या बताएगा? बोले पूछो। तो उसकी जेब में संस्कृत का पेपर था, उस दिन संस्कृत का पेपर हुआ होगा। तो मैंने उस पेपर को निकाला, मैंने कहा इसमें से श्लोक का अर्थ बताएगा? बोले पूछो। तो ऊपर का ऊपर एक श्लोक लिखा था, त्रिया चरित्रम पुरुष सौभाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। मैंने कहा इसका अर्थ आता? बोले आपको नहीं आता अंकल? अरे मैंने कहा मेरे बाप तुझे आता? बोले हाँ। अब उस बच्चे ने, अगर शिकोहाबाद के बच्चे ने अर्थ बताया हो तो उस बच्चे के खानदान के सम्मान में, शिकोहाबाद के सम्मान में ताली बजाना, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। अंकल इसका अर्थ होता है कि त्रिया के चरित्र को देख करके पुरुष भाग गया। अभी रुको रुको, अगली लाइन पे तो उसके खानदान के सम्मान में बजाना। अगली लाइन में था देवो ना जानति कुतो मनुष्य। अंकल इसका अर्थ होता है कि देवता भी नहीं जानते हैं कि मनुष्य कितना कुत्ता होता है। अद्भुत ही लोग हैं यार। मैं किरण में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे भाई साहब, अगर ये कलर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो। मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। मैं आज अब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आइनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। वाह वारी सुंदरता, वाह। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद की धर्मनगरी शिकोहाबाद के भरतेशपुरम में प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्साह और उमंग के साथ समापन हुआ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद की धर्मनगरी शिकोहाबाद के भरतेशपुरम में प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के पावन सानिधि में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव के प्रत्येक दिन भक्तों ने भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, महोत्सव की पांचवी एवं अंतिम कड़ी में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान इंद्रध्वज जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, पुत्र श्री योगेश कुमार जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री दीपेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन, ऋषभ ध्वज जैन, भव्य ध्वज जैन, पद्मिनी जैन, दीपांशी जैन, शाश्वत जैन, अनुत्तर जैन।